स्टूडेंट्स वेलकम टू बीआरटी यूट्यूब चैनल। बीबीए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट ऑफ क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आज की इस क्लास में बीबीए सेकंड ईयर में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा आपको कंटेंट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना है, देखना है। ऑडिबिलिटी इश्यू है तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, बट आपको कंटेंट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक सुनना ही होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, वापस से रिकॉल करा देते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब राइट प्लेस पे राइट पर्सन को राइट टाइम पर अवेलेबल कराते हैं या उसको कराने के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं उसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। वी वॉन्ट राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ द राइट टाइम, दिस इज वॉट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज। अदरवाइज सही समय पर सही व्यक्ति काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किससे संबंधित होती है, अ प्रोसेस इन विच द राइट पर्सन ऑन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज अवेलेबल, दैट प्लानिंग इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब उसमें क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव। भाई सबसे पहले जब हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स और ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करते हैं। The process of human resource planning begins with analyzing the overall plan and objective of the organization. The reason being, the human resource plan stems from the business plan. वही सबसे पहली बात है कि organization के क्या objectives हैं, क्या plan है, उनको analyze करना बहुत जरूरी है। और analysis of business is a subsection and functional plan such as technology, finance, marketing, expansion, diversification. Provide for assessing the human resource requirement for each activity in each section. Similarly, the analysis of organization objective also provides HR required by the organization. इस analysis से हमें ये भी पता चलता है कि company में कितने resources की और जरूरत है, वो भी हमें इसकी मदद से पता चल जाता है। Apart from this, if the objective of the organization is growth and expansion, require more human resources for it for all functional area. Thus, the evident the human resource planning needs to made in accordance to the overall organization plans. Second point is so the second point is analyzing objectives of human resource planning. ठीक है, the main purpose of HRP is matching employees' ability to enterprise. सबसे important objective ये होता है purpose कि जो employee की ability है वो enterprise की requirement से match हो रही है या नहीं हो रही है। Ultimate mission or purpose of HRP is to relate future resources to future enterprise and to maximize the future return investment. For this, manager need to specify the objective of human resource और उसी के साथ बेसिकली उनको एचआरपी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है। व्हाइल डेवलपिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए, वेदर द वैक्सीन एज वेन दे अराइज विल बी फिल्ड बाय प्रमोशन ट्रांसफर्स, इनके बारे में सोचना होता है। व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे किस प्रोविजन्स में होंगे, हाउ टू रीस्ट्रक्चर द जॉब पोजिशन, हाउ टू अबॉलिश द ओल्ड एंड बोरिंग जॉब, और नई चेंजेस जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे हम करेंगे, तो ये चीजें हमें सोचनी होती है। हाउ टू डाउनसाइज ऑर्गेनाइजेशन लाइक चेंजिंग द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, किस तरीके से इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उसके अकॉर्डिंगली मैच करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है फोर कास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जेक्ट टू वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि एक्सटर्नल में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट
तो वाइल फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, ये सब फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करने होते हैं कि एक्सटर्नल में एनवायरमेंट में क्या चेंजेस है, इंटरनल में कोई रिटायर तो नहीं है, प्रमोट तो नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव फैक्टर्स हैं जो यहाँ मेंशन है। फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज गुड फॉर सेवरल रीजन। अब इनकी फोरकास्टिंग जो है वो अच्छी भी होती है बहुत सारे रीजन के लिए, जैसे कि कौन से रीजन है, फर्स्ट इज क्वांटिफाई द नंबर ऑफ जॉब रिक्वायर्ड एट अ गिवन टाइम, इसके अलावा असर्टेन द स्टाफ नीड एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, अलग क्वालिफिकेशन की अलग स्किल्स की लोगों की जरूरत है उसे इंश्योर करता है, ये फाइनलाइज करता है कि स्टाफ मिक्स नीडेड फ्यूचर टाइम में इसके डिपार्टमेंट में इस तरह की मिक्स जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हाउ टू फोरकास्ट रिक्वायरमेंट, अब फोरकास्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की जो फोरकास्ट है उसका फायदा तो होता है, बट उसको कैसे फोरकास्ट करते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगी ब्रीफ में, जैसे कि मैनेजमेंट जजमेंट से, वर्क स्टडी मेथड से, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस से, डेल्फी मेथड, फ्लो मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल। मैनेजमेंट जजमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी रिसोर्सेज को एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और फिर रिक्वायरमेंट जो है ही प्रिपेयर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट। However, neither these approaches is accurate. Forecast based on these approaches subjectivity पे depend करती है, but still management judgment मतलब from top to down और up to bottom ही analysis किया जाता है। Work study method क्या कहता है, this method can be used when it is possible to measure standard work where method do not change frequently. In this method basically क्या होता है कि जो आपके organization में काम करने के जो methods हैं वो बहुत जल्दी से change नहीं होते, तो उसके आधार पर आप रिक्वायरमेंट या फोरकास्टिंग कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द स्टैंडर्ड वर्क उसके आधार पर, ठीक है। जहां पे एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि पर्टिकुलर यूनिट को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड आर इतने हैं, प्लांट आर इतने हैं, तो बेसिकली क्या आपका स्टैंडर्ड वर्क निकला है, तो वो हम इसके एनालाइज कर सकते हैं। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस जो तीसरा मेथड है, एक बहुत क्विकेस्ट टेक्निक होती है जिसके अंदर फ्यूचर रिसोर्सेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज डेटा, मतलब स्टडिंग पास्ट रेशियो, टोटल इनपुट, टोटल नंबर, टोटल सेल्स पे कितने इनपुट ऑफ लोगों ने काम किया, तो बेसिकली टाइम सीरीज पे डिपेंडेंट होती है। अलाउंसेस आर आल्सो मेड फॉर एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि आपका कुछ यूनिट्स बताए, नंबर ऑफ वर्कर्स बताए, उनका क्या रेशियो था, इस समय पर कितना रेशियो निकला, बाद में क्या रेशियो रहा, तो बेसिकली टाइम से कंसर्न होता है, इसलिए इसको टाइम रेशियो ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। थर्ड नेक्स्ट मेथड होता है डेल्फी टेक्निक, नेम्ड बाय डेल्फी, दिस इज जजमेंट मेथड फोरकास्टिंग, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग, डज नॉट अलाउ गुड मेथड टू मीट फेस टू फेस, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स। The following steps in the Delphi methods है कि the members are asked to provide estimates, पूछे जाते हैं कि भाई कितने requirement है उसका questionnaire बनाना, each member is independently complete the task, result of the first questionnaire is transcript, each member is sent the copy of result, उसके बाद उसे view करने के बाद finally आप finalize करते हैं कितने requirement है। It does not require physical presence, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्लो मेथड, दिस मॉडल इन्वॉल्व टाइम पीरियड विद कवर्ड विद अंडर फोरकास्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कैटेगरी आल्सो कॉल्ड स्टेट्स, देयर शुड बी ओवरलैपिंग अमंग द कैटेगरीज, तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है मैथमेटिकल मॉडल्स में, कुछ ग्राफ्स और कुछ मैथमेटिकल एस्टेट्स उस पर भी आप इनको बेसिकली फाइनलाइज कर सकते हैं। फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब जो उनकी सप्लाई है फोरकास्ट करने के लिए बिगिंस विद द करंट इन्वेंट्री, अभी आपके पास क्या है तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट होती है सेपरेटली, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट होता है मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, कौन सा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज फोरकास्टेड, द टू इज रिकंसलाइज सर रिकंसिलेशन विल रिवील कि आपको आगे कितने लोगों की जरूरत है। इन केस ऑफ सरप्लस इट कैन बी मेड गुड थ्रू स्कीम लाइक वीआरएस वगैरह, अभी अगर हमें लगता है कि कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है तो वीआरएस के ऑफर्स दे देते हैं, कहीं कम है तो उनकी हायरिंग की जाती है अलग अलग तरीके से विद द यूनियन, दिस विल हेल्प टू अवॉइड एम्प्लॉइज मॉनिटरिंग द एक्शन प्लान रिलीव द डेफिशिएंसी इफ एनी करेक्टिव मेजर्स कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई,
the light of change is the need of organization in the change environment. तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश की है कि एचआर प्लानिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज जुड़ी रहती हैं, किस किस मेथड से आप ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट कर सकते हैं. तो ये ब्रीफ स्टडी है, आप इनको कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं लेक्चर नोट्स के साथ. उसके बाद में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. बेसिकली यहाँ पर हमें फोकस करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ इन्वॉल्व है, मतलब जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या करना होता है. तो हमें क्या करना है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव एनालाइज करना है, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एनालाइज करना है, रिसोर्सेज की डिमांड को फोरकास्ट करना है. उसके अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो आपके सिलेबस में है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व. तो आई होप आप कंटेंट समझ पाए हैं. कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं. बेटा इस टॉपिक को आपको इसलिए भी डिटेल में समझना जरूरी है कि प्लानिंग का मतलब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात चल रही है. कैसे, कितने तरीके के लोग, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, किस स्किल की, किस कैपेबिलिटी के लोगों की आपको जरूरत है भी कि नहीं है, उसको एनालाइज करना. तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है. ठीक है, उसके अलग अलग एक्टिविटीज हमने इसमें मेंशन किए हैं जो आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करें और समझने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच.